अपने उद्घाटन से पहले ही चर्चा में रहने वाला लुलु मॉल एक बार फिर चर्चाओं में बना हुआ है, और इस बार यह चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद अब लुलु मॉल नमाज बनाम हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ, और इस वीडियो वायरल होने के बाद यह मॉल अब हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गया है। यही नहीं, इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीएम योगी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, और इस पूरे मामले पर लुलु मॉल अपनी क्या सफाई दे रहा है पूरी बात हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि हर खबर का एक जो दूसरा पहलू है, हर खबर की जो एक सच्चाई है, वो हम आप सभी के सामने ला सकें, आप सभी को रूबरू करा सकें। लुलु मॉल का हाल ही में सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद से सोशल मीडिया पर लुलु मॉल से जुड़े कई मुद्दे आम हो गए। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने लुलु मॉल को लेकर तरह तरह के दावे किए, लेकिन इन्हीं सबके बीच लखनऊ स्थित लुलु मॉल की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद हिंदू महासभा ने लुलु मॉल को आड़े हाथों लिया और सुंदरकांड करने की बात तक कह डाली। दरअसल बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे कथित तौर पर लखनऊ स्थित लुलु मॉल का बताया जा रहा है। इसमें मॉल के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किसी मॉल में धार्मिक गतिविधि को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। आप भी देखें इस वीडियो को। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लुलु मॉल हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गया। वहीं हिंदू महासभा के मुताबिक लुलु मॉल पहले भी ऐसे विवादों में रह चुका है। संगठन नेता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि लुलु मॉल अब अपना असली रंग दिखा रहा है। ये मॉल पहले से ही इसी तरह के कारनामों के लिए चर्चा में रहा है। हिंदू महासभा ने इस मामले को लेकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस मॉल का उद्घाटन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब सोशल मीडिया ट्रोलर सीएम योगी पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे। वहीं इस पूरे मामले के बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक बच्चे का हाथ एक्सीलरेटर में फंसा दिखाया गया। हालांकि इस वीडियो के संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लुलु मॉल का बताकर शेयर जरूर किया जा रहा है। मॉल प्रांगण में नमाज मामले को लेकर विवाद पर लुलु मॉल की भी तरफ से सफाई आई है। मॉल की ओर से कहा गया है कि उन्हें इस वीडियो का कोई अंदाजा नहीं है, उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। मॉल के अंदर मॉल प्रशासन इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देता।